डलहौजी हिमाचल प्रदेश में स्थित धौलधार रेंज में बना एक टूरिस्ट पॉइंट है। डलहौजी को सन 1854 में एक ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने स्थापित किया था, ताकि वह यहाँ की सुंदर और खूबसूरत वादियों में, यहाँ के शांत वातावरण में कुछ अच्छा समय बिता सके। और आज डलहौजी लोगों की नज़र में एक बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। तो चलिए आज घूमते हैं डलहौजी और मैं आपको बताऊंगा कि क्या है आसान, सस्ता और सही तरीका डलहौजी घूमने का। ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए आज घूमते हैं डलहौजी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डलहौजी कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो तीन एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां तक आप आ सकते हैं और फिर डलहौजी पहुंच सकते हैं। सबसे पहला नियरेस्ट एयरपोर्ट है कांगड़ा एयरपोर्ट, कांगड़ा से डलहौजी के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। दूसरा एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट से डलहौजी के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है। तीसरा एयरपोर्ट है अमृतसर का श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, अमृतसर से डलहौजी के बीच की दूरी 208 किलोमीटर है। नियरेस्ट एयरपोर्ट कांगड़ा का है, लेकिन देश के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड नहीं है। दूसरा एयरपोर्ट जम्मू का है, आप चाहे तो जम्मू तक फ्लाइट से आ जाइए। यहाँ से आपको बाय टैक्सी या बाय बस डलहौजी तक जाना होगा, 5,000 रुपए टैक्सी फेयर लगता है। अगर आप अमृतसर आ चुके हैं तो अमृतसर से भी आप बाय बस या बाय टैक्सी डलहौजी पहुंच सकते हैं। टैक्सी में 6,000 से 7,000 रुपए आपको पे करना होगा। अगर आप कांगड़ा पहुंच चुके हैं तो कांगड़ा से 2,500 से 3,000 के टैक्सी फेयर में आप डलहौजी पहुंच जाएंगे। बात ट्रेन की करते हैं तो नियरेस्ट डलहौजी का पठानकोट है। पठानकोट से डलहौजी के बीच की दूरी करीब 82 किलोमीटर है। पठानकोट से डलहौजी पहुंचने के दो ऑप्शन है, आप बस से आ सकते हैं, आप चाहे तो टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो 2,000 से 2,500 रुपए पे करना होगा, आप पठानकोट से डलहौजी पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो ऑर्डिनरी बस से भी आ सकते हैं। पठानकोट के रेलवे स्टेशन के पास स्थित बस स्टैंड से आप ऑर्डिनरी बस में 120 रुपए के टिकट में पठानकोट से डलहौजी पहुंच जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आप बाय बस ट्रैवल कर लीजिए। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से दो तरह की बस चलती हैं, एक वोल्वो और एक ऑर्डिनरी। दोनों ही बसें HRTC की हैं, हिमाचल रोडवेज की हैं, जिसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं HRTC.online.in पर जाकर। वोल्वो बस में रेंट लगता है 1,550 रुपए दिल्ली से डलहौजी तक, और ऑर्डिनरी बस में 673 रुपए का टिकट बनता है दिल्ली से डलहौजी तक। ऑप्शन सारे मैंने बता दिए, आप जैसे चाहे वैसे आ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी पर्सनल बाइक या कार या रेंटल कार से भी डलहौजी पहुंच सकते हैं। तो ये तो हुई डलहौजी पहुंचने की बात। अब डलहौजी पहुंच ही गए तो बात कर लेते हैं स्टे की, होटल कहाँ ले। देखिए डलहौजी में होटल्स की कोई कमी नहीं है, आपको वहाँ महंगे रिसॉर्ट से लेकर सस्ते होटल आसानी से मिल जाएंगे। होटल का मिनिमम चार्ज 500 रुपए से शुरू हो जाता है, जो 2000, 3000 या 4000 तक के महंगे रिसॉर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। पसंद आपकी, चॉइस आपकी, जो आपको सही लगे वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट आकर भी ऑन द स्पॉट ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी होटल ले सकते हैं। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि आप जो भी ट्रिप बताते हैं उसमें कुछ अच्छे होटल्स के नाम भी बताया कीजिए। तो डलहौजी के अगर कुछ अच्छे रिसॉर्ट और होटल्स की मैं बात करूं तो इंद्रप्रस्थ रिसॉर्ट, होटल हिमगिरी, होटल डलहौजी हाइट, होटल आर्क, ये कुछ ऐसे होटल और रिसॉर्ट है जो डलहौजी में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव है। चलिए अब बात करते हैं डलहौजी पहुंचने के बाद कहां कहां घूमने जाएं। अगर आप डलहौजी मॉर्निंग में 10-11 बजे तक पहुंच चुके हैं तो आपके पास वो पूरा दिन बच जाता है, आप डलहौजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे वन के लिए मैं आपको ऐसी ऐसी जगह बताऊंगा जहां आपको ट्रांसपोर्ट पर एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी टूर एंड ट्रैवल से बात करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में डे वन में सभी जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। डे वन में आप पंचकुला जा सकते हैं। पंचकुला और डलहौजी के बीच का डिस्टेंस मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर है, आप पैदल ही वहां तक जा सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि जब हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहां के नेचर को एंजॉय करना चाहिए, वहां के वेदर को एंजॉय करना चाहिए, और 2 से 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक पैदल ट्रैक हम आसानी से कर सकते हैं, और वहां के खूबसूरत नजारों को देखते हुए आप आसानी से पंचकुला पहुंच जाएंगे। पंचकुला एक ऐसा पॉइंट है जो बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट है, और इसका नाम पंचकुला इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर 5 पुल बने हुए हैं।
फूड के लिए यहाँ पर एक सिवा कैफे है, आप वहाँ पे कुछ खाना पीना कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा और ऊपर जाकर सात वाटरफॉल देखने जा सकते हैं। सात वाटरफॉल एक ऐसी जगह है जो एक वाटरफॉल है और वहाँ पर सात अलग अलग धाराएं पहाड़ से नीचे गिरती है, इसीलिए उसे नाम दिया गया है सात वाटरफॉल। वहाँ आप जा सकते हैं, कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी आप पंचकुला में कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन 1 किलोमीटर की अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,000 रुपए पे करना होगा। 100 से 300 मीटर तक की भी जिप लाइन अवेलेबल है जिसके लिए आपको 300 से 500 रुपए पे करना पड़ेगा। बर्मा ब्रिज वहाँ अवेलेबल है, आप चाहे तो उस पे चल सकते हैं, उसके लिए भी कुछ पे करना होगा। और बच्चों के लिए भी बहुत सारे झूले और कुछ एक्टिविटीज वहाँ होती हैं, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। पंचकुला ही वो जगह है जहाँ से गंजी पहाड़ी के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है, और ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटा इस ट्रैकिंग में लगता है। आप चाहे तो पंचकुला से गंजी पहाड़ी के लिए भी ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश अपने ट्रैकिंग लवर्स के लिए बहुत फेमस जगह है, तो डलहौजी आने के बाद भी आप ट्रैकिंग को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। गंजी पहाड़ी पहुंचने के बाद यहां से आप बेहद खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, बहुत सुंदर लैंडस्केप आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे। वापस आप इवनिंग में आ जाइए और इवनिंग में डलहौजी के आसपास के मार्केट को एंजॉय कीजिए। गांधी चौक पर मौजूद माल रोड को आप घूम सकते हैं, वहां पर स्थित इंडो तिब्बतन मार्केट में आप घूमने जा सकते हैं इवनिंग के वक्त। और इसके अलावा वहाँ पर कुछ चर्च मौजूद है, वहाँ भी जा सकते हैं, यानी डे वन में आप लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट डे आप खजियार जा सकते हैं। खजियार एक ऐसी जगह है, अगर आप डलहौजी आते हैं तो खजियार जरूर जाएं, ये एक बेस्ट प्लेस है। डलहौजी आने के बाद खजियार जाना बहुत जरूरी है, तभी आपकी ट्रिप पूरी होगी और आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। खजियार की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की तरह है, इसीलिए खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। खजियार और डलहौजी के बीच का डिस्टेंस करीब 22 किलोमीटर है। इस 22 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो टैक्सी ले लीजिए जिसका फेयर रहता है 1500 से 1700 रुपए जाना और आना दोनों का। इसके अलावा आप चाहें तो बाइक वहाँ पे रेंट पर ले सकते हैं, 500 से 2000 रुपए में अलग अलग बाइक्स अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए, पेट्रोल एक्स्ट्रा डलवाइए और आप इंजॉय कर सकते हैं। तीसरा और सस्ता ऑप्शन है कि आप बस से चले जाइए। डलहौजी से सुबह 9 बजे के करीब आपको बस मिल जाएगी, 50 से 60 रुपए टिकट रहेगा और आप खजियार पहुंच जाएंगे। जो बस चंबा की ओर जाती है वो बस खजियार होकर जाती है। रिटर्न बस की भी टाइमिंग में चलो अभी बता देता हूँ। रिटर्न बस जो उधर से आती है वो दोपहर को 1:15 पर, 2:15 पर और 3:30 बजे उधर से वापस बस आती है। जो बस चंबा से डलहौजी आती है वही बस आपको मिलेगी, खजियार से वही बस आपको वापस डलहौजी ड्रॉप करेगी। खजियार पहुंचने के बाद आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वो भी बता देता हूँ। खजियार पहुंचने के बाद अगर आप स्नोफॉल के टाइम पर आते हैं तो आप वहां से शूज भी रेंट पर ले सकते हैं, स्नो शूज रेंट रहता है 100 रुपीज, उसे जरूर लें अगर आप स्नो के वक्त वहां पहुंचते हैं। खजियार में आप एडवेंचर एक्टिविटीज में पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस पैराग्लाइडिंग है उसका चार्ज 1600 से 2000 के करीब रहता है। स्मॉल पैराग्लाइडिंग का चार्ज 900 से 1200 रुपए रहता है। आप चाहे तो पैराग्लाइडिंग भी वहाँ कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं 300 रुपए में। कुछ वहाँ के छोटे मोटे पॉइंट वो घुमाकर लाएंगे, कुछ टेंपल है वहाँ पे जैसे हनुमान टेंपल, शिव टेंपल, वो आप हॉर्स राइडिंग से ही जा सकते हैं। अगर वहाँ पर स्नो पड़ी हुई है तो आप वहाँ ट्यूब राइड कर सकते हैं 50 रुपए पर राइड में। इसके अलावा वहाँ पर आप स्नो को एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरत लैंडस्केप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ के वेदर को एंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ फूड के लिए कुछ स्ट्रीट फूड के ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आप वहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो आपको देखने के लिए मिलेगी। बट अगर आप गर्मियों के मौसम में वहाँ आते हैं तो आपको वहाँ स्नो देखने के लिए नहीं मिलेगी, वहाँ आपको हरे हरे घास के बड़े बड़े मैदान देखने के मिलेंगे जिन्हें बुग्याल बोला जाता है। अगर आप स्टे करना चाहते हैं खजियार में तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कुछ रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट मेरा मानना है कि आप खजियार में स्टे मत कीजिए, आप वापस डलहौजी आकर ही स्टे कीजिए, यही सबसे बेस्ट होता है। एक दिन आप खजियार को दीजिए और आप पूरा दिन इंजॉय करने के बाद वापस डलहौजी पहुंचिए, सबसे बेस्ट यही रहता है, स्टे आपको करने की जरूरत नहीं है। दोपहर को आप खजियार से वापस डलहौजी बाईपास अगर आए हैं तो बाईपास वापस आ सकते हैं, अगर आप टैक्सी लेकर आए हैं तो टैक्सी से वापस शाम तक वापस डलहौजी पहुंच जाइए। एक सवाल उठता है कि कितने दिन का टूर डलहौजी के लिए बहुत रहता है। मेरे हिसाब से 2 दिन 2 रात का टूर बेस्ट होता है, बट अगर आप इससे ज्यादा का टूर बनाते हैं तो आप इसके अलावा भी कुछ दूसरे पॉइंट्स घूमने जा सकते हैं,
जैसे आप काला टोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा सकते हैं, अगर आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह देखने अच्छे लगते हैं तो आप जहाँ भी घूमने जा सकते हैं। चंबा आप जा सकते हैं, तो कुछ अलग पॉइंट्स हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से खजियार, पंचपुला, बाकी डलहौजी का लोकल मार्केट, वहाँ के चर्च, माल रोड और कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं जो आसपास में हैं, उन्हें कवर कीजिए। 2 दिन 2 रात का टूर सफिशियंट होता है। अगर आप चाहते हैं कुछ दूसरी चीजें एक्सप्लोर करना तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा दिन वहाँ बिताने होंगे। मेरे हिसाब से 2 दिन 2 रात बेस्ट है। बात आती है कि किस मंथ में जाना चाहिए, कौन सा मंथ वहाँ का बेस्ट है। मेरे हिसाब से दिसंबर से लेकर मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने ऐसे हैं जब डलहौजी जाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि स्नोफॉल का टाइम होता है और स्नोफॉल में सबसे ज्यादा मजा आता है डलहौजी खजियार में। अगर आप गर्मी में आते हैं तो आपको स्नो देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन खजियार में आपको घास के हरे हरे मैदान, जिन्हें बुग्याल बोलते हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे। वो भी अपने आप में बेहद खूबसूरत होते हैं, बट बेस्ट टाइम दिसंबर से मार्च ही है। फूड के बारे में बात करते हैं डलहौजी में। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप फूड के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताया कीजिए, तो मैं आपको डिटेल में डलहौजी के बेस्ट जो फूड ऑप्शंस हैं, जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके बारे में बताता हूँ। डलहौजी में कैफे डलहौजी है जो बेहद पॉपुलर है। बरिस्ता कैफे भी मौजूद है डलहौजी में, सभी लोग जानते होंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स शेरे पंजाब रेस्टोरेंट, यहाँ का खाना बेहद ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा मोती महल रेस्टोरेंट भी डलहौजी में है, जहाँ आप खाना खा सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद बजट कितना रहेगा, अगर आप 2 दिन 2 रात वहाँ स्टे करते हैं तो बजट आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप दिल्ली से आते हैं, ऑर्डिनरी बस को यूज़ करते हैं और लोकल साइट्स को विजिट करने के लिए, जैसा मैंने वीडियो में बताया वैसा करते हैं, तो मिनिमम आप 2800-3000 की रेंज में एक बंदा आसानी से डलहौजी खजियार एक्सप्लोर कर सकता है। बट अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, या 2 दिन 2 रात से ज़्यादा स्टे करते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो आप डलहौजी खजियार को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये जो बजट बताया गया है ये बहुत मिनिमम है। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है या कुछ और पूछना चाहते हैं डलहौजी के बारे में, खजियार के बारे में, तो पूछ सकते हैं बेझिझक। जो डलहौजी के व्यूज़ हैं वही अपने आप में बेहद खूबसूरत है, बहुत शानदार लैंडस्केप आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। नेचर लवर के लिए डलहौजी खजियार एक बेस्ट प्लेस है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका हैंडल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बस यही रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि अगर वीडियो यहां तक देखा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। बहुत